ओके दोस्तों, तो अब हम सैटेलाइट मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सी। सबसे पहले मान लो मैं एक नया रूल दे रहा हूं, यहां पर है M1, यहां पर है M2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अगर दो पॉइंट मास है उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन एज ए माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा एक नया रूल है, एक हाइपोथेटिकल दुनिया है जहां पर मान लो ये वाला रूल हमारा फॉलो होता है। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट एंड इट्स एनर्जीज, यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, फॉर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास एम। ठीक है, सॉरी कैपिटल एम ले लो। और जो तुम्हारा इसका सैटेलाइट का मास है उसको स्मॉल एम ले लेना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमें दिया हुआ है तो हमारा जो वी है फॉर अ पॉइंट मास कैन बी रिटन एज ए जी एम बाई आर, और बाहरी पॉइंट के लिए मैं स्फीयर को भी हमेशा एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जी एम बाई आर स्क्वायर। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उसको मास से डिवाइड कर दो तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब आई वेक्टर हम जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर इंटू आर कैप। तो क्या आएगा? अच्छा, एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर है, पहले उन दोनों को तो कैंसिल कर दो। तो माइनस टू जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर कैप। तो हमारा जो अर्थ है, जो प्लेनेट है जिसका मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस मान लो है कैपिटल आर, आई डोंट केयर, अगर यहां पर कोई भी एक सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सैटेलाइट का मास है एम, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अर्थ इसको अपने तरफ डेफिनेटली पुल देने वाला है। और सैटेलाइट मान लो अगर ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है तो जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा जी एम एम अपॉन आर क्यूब, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये हम लिख सकते हैं। सो एम एम कट कर दो, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2g कैपिटल एम बाय आर टू द पावर ऑफ 4। तो जो हमारे पास ओमेगा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2g एम बाय आर स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा टी, दैट इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2π आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gm। तो जो हमारा हाइपोथेटिकल दुनिया है उस हाइपोथेटिकल दुनिया में
द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ सैटेलाइट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल वो तो हम जानते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. वी तो ओमेगा आर होगा. सो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर यानी टू जी एम बाई आर टू द पावर फोर इंटू आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना जाएगा मेरे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. तो सिंपली जो टोटल एनर्जी होगी वो होगा इन दोनों का सम, दैट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर प्लस जी एम एम by r square that will be equals to zero. So that total energy of the satellite in any orbit is always equals to zero. ये special case है, hypothetical दुनिया है, कुछ भी हो सकता है. मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा चीज जो भी हमने किए है वो हमें समझ में आ चुका है. यानी अगर हमें U दे रखा है तो simply एक काम करो, पहले वो वाले U से डिफ्रेंशिएट करते हुए हमारा फोर्स जो है वो निकाल लो, उसको सेंट्रीपेटल के साथ इक्वेट करो एंड इक्वेट करते हुए बाकी जो भी एनालिसिस करना है वो कर डालो. ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारे पास एक सैटेलाइट है इन इक्वेटोरियल प्लेन. सैटेलाइट इज आरी हाइट अबव द सरफेस. ठीक है, कैलकुलेट एरिया ऑफ अर्थ कवर्ड बाय इट. ये हमारा अर्थ से पे कितना एरिया कवर करेगा वो चीज हमें निकालनी है. ओके, लेट अस ड्रॉ द फिगर. ये हमारा है अर्थ, इसका रेडियस जो है वो आरी है और सेंटर से जो हमारा सैटेलाइट है वो हमारा टू आरी के दूरी पर है. तो यहां से जो लास्ट सिग्नल जाएगा वो हमारा इस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट होगा. मैं एक ही डायरेक्शन पर ड्रॉ किया, नॉन जियोस्टेशनरी है तो वो पूरा का पूरा अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसको इवेंचुअली तो कवर करेगा ही करेगा. तो लास्ट जो पॉइंट है जहां पर सिग्नल जाएगा मान लो उसका लैटिट्यूड जो है दैट लैटिट्यूड इक्वल्स टू लैम्डा एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आरी, दिस एंगल इज 90, दिस इज आरी. तो साफ साफ ध्यान दो जो हमारा कॉस लैम्डा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आरी by 2RE. So lambda जो हमारे पास आ जाएगा that will be equals to 60 degree. अच्छा, eventually ये पूरा अर्थ के हर पॉइंट पे जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये हमारा definitely geostationary
नहीं है, राइट। सो अब अगर हम लोग देखें जो पोर्शन ऑफ द अर्थ जो कि हमारा कवर्ड नहीं होगा, उसके लिए हमें कोल्ड लैटिट्यूड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ध्यान दो, यहां से अगर हम 30 डिग्री का कोई कोन ड्रॉ करें तो ये कोन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा दो सर्कुलर रीजन होगा, स्फेरिकल कैप जो होगा, वो हमारा कवर नहीं होने वाला है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोल लैटिट्यूड हमारे पास आएगा, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 30 डिग्री। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कोल लैटिट्यूड आएगा, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर जो एरिया हमारा कवर नहीं होगा, ये अगर ए है तो यहां पर भी जो कवर नहीं होगा वो एरिया ए होगा। तो ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 30। ठीक है, सो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos 30, दैट इज √3/2। सो टोटल एरिया नॉट कवर्ड कितना है, टोटल एरिया नॉट कवर्ड विल बी इक्वल्स टू 2a, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस √3/2। सो टोटल एरिया कवर्ड जो आएगा, टोटल एरिया कवर्ड जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू √3/2, दैट इज इक्वल्स टू 2√3π इंटू आर स्क्वायर। सो दैट विल गिव मी द टोटल एरिया दैट विल बी कवर्ड एट सम टाइम्स। कभी ना कभी पूरा एरिया को एक बार में कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट इतना एरिया में कभी ना कभी तो सिग्नल डेफिनेटली जाने वाला है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर हमारा सिग्नल कभी भी नहीं जाने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। 2 सैटेलाइट्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, हमारे पास 2 सैटेलाइट है इक्वेटोरियल प्लेन में और सेम रेडियस है, ठीक है, और ये रेडियस जो है वो आर मान लो। रेडियस अगर बोला है तो वो हमेशा अर्थ के सेंटर से मेजर्ड है, ठीक है, वरना हाइट बोलेगा। ओके, एक घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, एक घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्स 6 आवर्स टू रिच सेम पॉइंट, यानी एक पॉइंट से जर्नी चालू किया है, उसी पॉइंट पे वापस पहुंचने के लिए उसको 6 घंटे लगता है, और दूसरा वाला जाता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट टू ईस्ट वाले के लिए दैट टेक्स 8 आवर्स टू रीच सेम पॉइंट। अर्थ का घूमने का टाइम को 24 आवर्स मान लेना, फाइंड
रेडियस आर। अच्छा दोनों का रेडियस क्योंकि सेम है ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ओमेगा एक्चुअल में जो होगा दोनों का तो इक्वल होगा ही होगा ठीक है। तो ट्रू ओमेगा विल बी सेम फॉर बोथ क्योंकि आर जो है वो हमारा इक्वल है और वो ओमेगा तो केवल और केवल आर पे डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ एंड जी तो हमारा कांस्टेंट है लेकिन जो हमारा ओमेगा इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ प्लस ओमेगा अर्थ किसके लिए जो ईस्ट टू वेस्ट वाला है उसके लिए क्योंकि अर्थ जो है अर्थ हमारा उल्टा घूम रहा है तो इफेक्टिवली जो एंगल कवरिंग रेट है वो एंगल कवरिंग रेट डेफिनेटली हमारा दोनों का एडिशन हो जाएगा और वहीं पे जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है अर्थ उसको अपोज करेगा तो उसके लिए जो ओमेगा इफेक्टिव होगा दैट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। सो 2π ओमेगा प्लस ओमेगा अर्थ ये हमारा 6 आवर्स है और 2π ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ जो है वो हमारा 8 आवर्स है हाँ कि ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ओमेगा प्लस ओमेगा अर्थ ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ इन दोनों को मैंने डिवाइड किया हूं दैट विल बी इक्वल्स टू 8/6 4/3 नाउ अप्लाई कॉम्पोनेंट टू डिविडेंडो तो ओमेगा बाय ओमेगा अर्थ विल बी इक्वल्स टू 7 सो जो हमारा ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू 7 × ओमेगा अर्थ। अच्छा ओमेगा अर्थ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो हमारा 24 आवर्स है। अच्छा इसका जो ओमेगा होता है वो हमारा क्या होता है 2π क्या बोल रहा हूं सॉरी अंडर रूट gme बाय r³ दैट इज इक्वल्स टू 7 times ओमेगा अर्थ 2π बाय टाइम पीरियड। एंड सिंपली अब इसका स्क्वायरिंग करो कैलकुलेट करना मेरी बस की बात नहीं है भाड़ में जाए तो कैलकुलेट टू गेट आर। लॉजिक समझ लो कैलकुलेशन जाए भाड़ में अब सिंपली इसका स्क्वायरिंग कर देना फिर उसका 2^1/3 करना पड़ेगा भाड़ में जाए। मैं जिस लॉजिक से किया हूं इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ये वाला है जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है उसका इफेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा प्लस ओमेगा ई हो जाएगा और जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है उसको अर्थ को कैंसिल करना है तो इफेक्टिव ओमेगा जो होगा दैट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा ई। ओके ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस इनिशियली जो है वो है 4R। जिस प्लेनेट के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है उसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R। नाउ ड्यू टू कॉस्मिक डस्ट ये जो हमारा सैटेलाइट है वो एनर्जी लूज कर रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ c। तो सवाल ये है
सैटेलाइट का मास अगर m है तो कितनी देर में वो सैटेलाइट हमारा अर्थ पे आके वापस गिर जाएगा। ये वाला सवाल को सॉल्व करना ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन आगे के क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए मैं इसको एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, ये हमारा अर्थ है यानी प्लैनेट है, रेडियस r है, मास m है। नाउ इनिशियली जो हमारा सैटेलाइट है वो हमारा 4r के दूरी पे है और यहां से वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, बट एनर्जी लॉस होने के कारण ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा सैटेलाइट है उसका रेडियस स्लाइटली चेंज होता रहेगा और इस तरीके से वो प्योर सर्कुलर मोशन नहीं करते हुए ये हमारा ऐसा स्पाइरल मोशन करना चालू करेगा लाइक दिस। हाँ, जो रेट है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस है वो हमारा एक्सट्रीमली स्लो होने के कारण जो हमारा स्पाइरल होगा उसको हम किसी भी इंस्टेंट पे जनरल सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो स्पाइरल मोशन होगा। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स सी। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इसका जो रेडियस है वो है हमारा स्मॉल r, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस जी एम एम बाई स्मॉल r, और काइनेटिक एनर्जी होगी जी एम एम बाई टू आर। ये तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि उस इंस्टेंट पे मान सकता हूं वो प्रैक्टिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई टू आर। व्हाट इज गिवन, डी बाई डी टी is equals to minus c, right? So इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, जी एम एम बाई टू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज डी आर बाई आर स्क्वायर माइनस टू सी बाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम इन टू डी टी, दैट इज अ रिलेशन। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें एट टी इक्वल्स टू जीरो जो आर का वैल्यू है वो है फोर आर, और जब गिरेगा वो टाइम को अगर मैं टी नॉट बोलता हूं तब रेडियस है आर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाई आर, तो उसको माइनस माइनस तो खत्म कर दो, तो वन बाई आर माइनस वन बाई फोर आर दैट इज इक्वल्स टू टू सी by g capital M small m into t naught. So this will come out to be equals to 3 by 4 r. So g capital M small m 3 और यहां पर हो जाएगा 8 r c. That will give me the time जिस पर ये सरफेस पे आके गिर जाएगा। अच्छा, बाय द वे यहां पर ये कांस्टेंट रेट से एनर्जी को लूज कर रहा था, इस कारण पे हमें इस मेथड को लगाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सिंपल सी बात है,
यहां पे हम डायरेक्टली इनिशियल एनर्जी लिख सकते थे माइनस जी एम एम अपॉन एट आर, स्मॉल आर की जगह पे फोर आर पुट कर दो, और जो हमारी फाइनल एनर्जी थी दैट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। तो जो हमारा एनर्जी में लॉस हुआ है दैट विल बी दिस माइनस दिस, लॉस देखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू थ्री जी एम एम बाई एट आर। ये कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी लूज कर रहा है तो टाइम जो लगेगा दैट विल बी सिंपली थ्री जी एम एम अपॉन एट आर सी। दिस इज अ वेरी शॉर्ट सोल्यूशन, पर ध्यान देना ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा अगर ये कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी लूज कर रहा है तो। बट हमेशा हम लोग इतना लकी नहीं होंगे जो ये हमारा कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी को लूज करे। मान लो अगला क्वेश्चन में ही सिंपल है, ये दे रखा है, वही वाला क्वेश्चन है, इसमें ड्रैग फोर्स ऑफ द कॉस्मिक डस्ट इज इक्वल्स टू अल्फा वी स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, जो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर वो वी है तो कॉस्मिक डस्ट जो ड्रैग फोर्स यानी जो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा वी स्क्वायर। नाउ फाइंड द टाइम टेकन। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो किस तरीके से हम करेंगे, लेट्स सी। ध्यान दो, जो हमारा पावर ऑफ ड्रैग होगा वो कितना होगा, माइनस एफ इंटू वी। माइनस क्योंकि ड्रैग फोर्स हमेशा 180 डिग्री पे लगता है, सो इसका जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी क्यूब। तो जो हमारा रेट ऑफ एनर्जी लॉस है डीई बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी क्यूब, ये हम सबसे पहले लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसका जो जनरल इंप्लीकेशन है इससे तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम एम कट के खुश हो जाओ, तो v जो होगा दैट विल बी अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, ये हमारा v होगा। सो जो हमारा de बाई डी टी आएगा दैट विल बी माइनस अल्फा अंडर रूट जी एम आर टू द पावर ऑफ माइनस थ्री बाई टू, ये हमारा डीई बाई डी टी है, इन टर्म्स ऑफ आर हमारे पास आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं है। अच्छा बट एनर्जी क्या है, यहां तक तो हमारे पास सब कुछ सही रहेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं जी एम एम बाई टू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी माइनस अल्फा रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू। सो
डीटी जो हमारे पास आएगा, यहां पर एम बाय टू बरकरार रहेगा, यहां पर एक आगे माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर टर्म आ जाएगा रूट ओवर जी एम, और यहां पर जो टर्म आएगा दैट विल बी डी आर बाय रूट आर, ये हमारा टर्म्स आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा अल्फा, सॉरी। सो जो हमारा टी नॉट होगा टू अल्फा इंटीग्रल डी आर बाई रूट आर, आर का इनिशियल वैल्यू जो है वो है फोर आर, फाइनल वैल्यू जो है वो है हमारा स्मॉल आर। सो रूट आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल डी आर बाई रूट आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट आर। सो टू तो यहां पे कट हो जाएगा, टी नॉट एम रूट ओवर जी एम बाई अल्फा रूट आर, तो यहां पर आ जाएगा रूट आर माइनस रूट ओवर फोर आर, तो टू बाहर कर दो तो टू रूट आर माइनस रूट आर, माइनस को मैंने अंदर डाल दिया तो दैट विल बी सिंपली रूट आर। सो ये आ जाएगा एम अंडर रूट जी एम बाई अल्फा इंटू रूट आर। सो दैट इज द टोटल टाइम जिस पे हमारा ड्यू टू दिस कॉस्मिक डस्ट हमारा यहां पर सेटल डाउन करने वाले हैं, सरफेस पे आ जाने वाले हैं। तो अगर हमारा एनर्जी लॉस का रेट कांस्टेंट है फिर तो सिंपली एनर्जी का डिफरेंस निकालो और कांस्टेंट रेट से डिवाइड कर दो, हमें अपने आप टाइम मिल जाएगी। लेकिन अगर एक नॉन कांस्टेंट रेट से हमारा वो लॉस हो रहा है तो इन दैट केस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो यहां पर जनरल टेक्निक मैंने सिखाया हूं, एनर्जी लिखो, डिफरेंशिएट करो और dE by dt को इक्वेट कर दो, वहां पे उस तरीके से हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करनी पड़ेगी। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम प्लेन पे यहां पर बेसिकली दो सर्कुलर ऑर्बिट पे हमारा सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। यहां का जो रेडियस है वो है स्मॉल r और दूसरे वाले का रेडियस है स्मॉल r प्लस डेल्टा r, डेल्टा आर इज मच मच लेस देन आर। जो प्लैनेट के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है उसका तुम्हारा मास है कैपिटल एम। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर दोनों हमारा मिनिमम सेपरेशन पे था लाइक दिस, यानी अर्थ का सेंटर से ज्वाइन करो, ये दोनों बेसिकली अगर हमारा सेम लाइन पे था तो कितनी देर बाद वापस ये दोनों सेम लाइन पे आने वाला है वो चीज हमें यहां पर निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। ओके अच्छा ध्यान दो, कोई भी अगर रेडियस होता है स्मॉल आर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम बाय आर क्यूब का अंडर रूट, ठीक है। सो पहले वाले का अगर मैं इसका ओमेगा वन बोलता हूं और इसका अगर मैं ओमेगा टू बोलता हूं, ठीक है, तो ओमेगा वन जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट जी एम आर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, और जो हमारा ओमेगा टू होगा दैट विल बी जी एम आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, ये वाले का ओमेगा ज्यादा होगा, ये वाले का ओमेगा कम होगा। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, जिसको मैं इसका रिलेटिव ओमेगा बोल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम। हाँ सर, उल्टा लिख दिया, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू आर टू द पावर थ्री बाय टू माइनस आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर माइनस थ्री बाय टू। और वापस जब मिनिमम पोजीशन में आएगा तो इस वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले को 2 पाई एंगल से रोटेट हो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारा टी आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहां पर तो रूट ओवर जीएम ही आएगा। नाउ यहां पर का टर्म अगर मैं देखूं तो यहां पर तो आर टू द पावर माइनस 3 बाई 2 होगा, दूसरे वाले में मैंने r टू द पावर माइनस 3 बाय 2 अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा डेल्टा r बाय r टू द पावर ऑफ माइनस 3 बाय 2। अब नीचे वाले पे बाइनोमियल अप्लाई करो, 2 पाई रूट ओवर जी एम आर टू द पावर माइनस 3 बाय 2, और यहां पर लिख सकता हूं आर टू द पावर माइनस 3 बाय 2 1 माइनस 3 बाय 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर जी एम आर टू द पावर 3 बाय 2 आर टू द पावर 3 बाय 2 कट, यहां पर आएगा आर टू द पावर डेल्टा आर अपॉन आर। तो जो टाइम के बाद वापस ये हमारा क्लोज में आएगा दैट विल बी 4 पाई रूट ओवर जी एम, ऊपर आ जाएगा आर टू द पावर 5 बाई 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एम। सो दिस इज द टाइम आफ्टर विच दोनों वापस अपना मिनिमम सेपरेशन पे आने वाला है। अब आर वगैरह का वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, ये हमारा एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है आर, जिसका मास है एम। अब मैं इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट को मैं सेट करना चाह रहा हूं। जो ऑर्बिट का हाइट है सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो है हमारा h। उसमें हम एनर्जी को दो पार्ट में दे रहे हैं, पहले इस सैटेलाइट को यहां से उठा के यहां पर डाल रहे हैं, और फिर दूसरे पार्ट में यहां पर हम एक वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दे रहे हैं जो कि ये सर्कुलर मोशन को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। पहले हम उसको हाइट h तक राइज करवा रहे हैं, ठीक है, ऊपर लेकर गए रॉकेट से, वहां पर मोमेंटली स्टॉप किए, फिर वहां पर उसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दे रहे हैं
जो कि वो यहां पर एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो पहला स्टेप में जो एनर्जी देना पड़ा है वो अगर E1 है और दूसरा स्टेप में जो एनर्जी देना पड़ा है वो अगर E2 है, फॉर अ सैटेलाइट जिसको मैंने लॉन्च किया E1 by E2 is equals to 1, मैंने देखा। तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा वो चीज हमें निकालनी है। तो हम किसे निकालेंगे उसके बारे में एक बार देखते हैं। Let's see. अच्छा, यहां से सबसे पहले सैटेलाइट को यहां पर ले गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सैटेलाइट का इनिशियल एनर्जी जो है ऑब्वियस सी बात है वो कितना है, वहां पर तो केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। सैटेलाइट का मास को स्मॉल एम मान लो और जो हमारा फाइनल एनर्जी होगी UF, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ी है E1, टोटल एनर्जी का राइज कितना देना पड़ा है यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल देना पड़ा है, सो दैट विल बी GMM 1 by R माइनस 1 by R प्लस H। तो GMM H और उसके बाद जो सेकेंड वाला इंपल्स है वो हमें देना पड़ा है जिससे कि ये हमारा सर्कुलर मोशन करना चालू करे। नाउ सर्कुलर मोशन के लिए ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होगा GMM by R plus H का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू MV स्क्वायर by R plus H। तो हमारे पास MV स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा GMM by R plus H। हमें तो काइनेटिक एनर्जी ही प्रोवाइड करना पड़ा है, तो सिंपल सी बात है जो हमारा E2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर, तो दैट इज GMM बाय 2 टाइम्स R प्लस H, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे पास E1 आ रखा है, मेरे पास E2 आ रखा है, तो देयरफॉर मैं एक चीज लिख सकता हूं E1 by E2 कितना आएगा, GMM GMM gone, R plus H R plus H gone, तो E1 by E2 therefore will be equals to 2H by R। And but given E1 by E2 is equals to 1, तो 2H equals to R, तो H जो आएगा that is R by 2। So यहां से हमें ये वाला जो information है इससे radius of the satellite मिल गया, तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ सैटेलाइट है वो मेरे पास कितना आ गया, कैपिटल आर प्लस आर बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 3R/2। अच्छा, ओमेगा कितना होता है, अंडर रूट GM by R क्यूब,
तो टी जो होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम. नाउ आर का वैल्यू 3R बाई 2 हम पुट कर देंगे तो टी जो आ जाएगा दैट विल बी 3 क्यूब बाय 2 क्यूब उसका रूट आर क्यूब बाय जी एम इंटू 2 पाई. 2 इज कैंसल्ड तो जो नेट टी आएगा दैट विल बी 3√3 पाई बाय 2 रूट 2 आर क्यूब अपॉन जी एम. सो दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो इसके साथ हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के सॉरी सैटेलाइट मोशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं. मैं अगला वाला क्वेश्चन में एक चीज दिखाने एक स्पेशल थ्योरी और स्पेशल प्रोफाइल पढ़ाने वाला हूं जिनको हम बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम. वो बेसिकली एक थ्योरी है ठीक है. मैं क्वेश्चन के फॉर्म में उसको सॉल्व करवाने वाला हूं राइट. ओके दोस्तों हमारे पास दो मास है M1 और M2. दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है R. दोनों बॉडी रोटेट करता है ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. तो ये वाले पोजीशन में दोनों का जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो निकालना है और जो हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी है वो हमें यहां पर निकालना है. दोस्तों क्योंकि हमारा जो भी फोर्स है वो इंटरनल है तो ध्यान देना सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी. सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी. बोथ द मासेस विल रिवॉल्व अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास. दोनों के दोनों बॉडी जो रिवॉल्व करेगा वो उनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रिवॉल्व करेगा. तो दोस्तों ध्यान दो जो हमारा आर है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा तो यहां का दूरी जो है वो है R1 और ये वाला दूरी को अगर मैं R2 बोलता हूं तो R1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू M2R बाय M1 प्लस M2 और R2 जो होगा दैट विल बी M1R प्लस M2 प्लस M2. So, जो हमारा M1 है ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो इसके अबाउट ये M1 इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने वाला है. और M2 जो है वो R2 दूरी पे है तो इसके अबाउट कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन करने वाले हैं. अच्छा ध्यान दो सेंटर ऑफ मास हिल नहीं सकता है तो मान लो M1 जो है वो ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है और यहां पर पहुंचा है तो
सेंटर ऑफ मास का लोकेशन को फिक्स रखने के लिए M2 को भी यहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना, कोई एक गिवन टाइम में जितना एंगल ये कवर करेगा M2 को भी उतना ही एंगल कवर करना पड़ेगा, यानी M2 का भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा वो हमारा सेम होना ही पड़ेगा, यानी ओमेगा ऑफ बोथ विल बी इक्वल, राइट। अब ये वाले के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो M1 को सर्कुलर मोशन करने में हेल्प कर रहा है, तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वन। सो व्हाट वी विल गेट, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, आर वन का वैल्यू हमने निकाल रखे हैं, एम टू आर बाई एम वन प्लस एम टू, तो M1 M2 ओमेगा स्क्वायर R बाय M1 प्लस M2, सो दिस इज गॉन, M1 M2 तो चला गया, तो ओमेगा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी अंडर रूट G M1 प्लस M2 बाय R क्यूब, ये हमारे पास ओमेगा आएगा। तो टाइम पीरियड टी जो आने वाला है दैट इज टू पाई बाय ओमेगा, तो टी आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम वन प्लस एम टू। तो दोस्तों ध्यान दो, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम ही चीज है, बस M के जगह पर यहां पर M1 प्लस M2 आ जाएगा। अच्छा, एनर्जी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी सिंपली जी एम वन एम टू बाई आर, और जो हमारा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय टू को अगर मैं कॉमन ले लूं, एम वन इंटू आर वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर R स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहां पर M1 M2 कॉमन ले लो, हाफ M1 M2 by M1 plus M2 एक कटेगा, ध्यान देना कॉमन ले लें पर, इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं अगर यहां पर पुट करूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ M1 M2 by M1 plus M2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो तो G into M1 plus M2 by R cube into R square। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है, जी एम वन एम टू
by 2R. तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू बाई टू आर. दोस्तों ध्यान दो, यहां पर भी वो वाला फंडा तो काम कर ही रहा है. जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो और टोटल एनर्जी का मॉड सेम है और पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल है. ओके चलो मान लो बाइनरी के बदले अब हम लोग लेते हैं ट्राइनरी सिस्टम. ट्राइनरी सिस्टम में मास को अनइक्वल रखना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, तो हम लोग तीनों इक्वल मास को लेकर चालू करते हैं. ठीक है, तीनों मास m m और m एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के बैठता है और इनके म्यूचुअल फोर्स के कारण अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन जो है वो हमें निकालना है. अच्छा, बाइसिमेट्री ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सेंट्रॉइड के अबाउट गोल गोल घूमेगा. तो यहां पर जो हमारा रेडियस होगा आर, that will be the two-third the height. तो R आ जाएगा a by root 3. Now किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर देखो, यहां पर फोर्स होगा F, यहां पर फोर्स होगा F. ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्री. तो नेट F जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री एफ. यहां पे एफ का वैल्यू कितना होगा, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. किसी भी एक का ले लो, मान लो ओमेगा से घूम रहा है, इन टू ए बाई रूट थ्री, एम एम इज गॉन, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा थ्री जी एम बाई ए क्यूब. तो मेरे पास ओमेगा जो आएगा अंडर रूट, तो टी जो होगा दैट विल बी टू पाई ए क्यूब बाई थ्री जी एम. अरे सिमिलरली हम लोग क्वार्टनरी स्टार सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई अलग चीज नहीं होने वाली है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो मैं तुम्हें चार मास दे दूं तो भी जो सिंपल हमारा फोर्स होगा वो अलोंग द सेंटर ही होने वाला है. तो हमारा क्या क्या होगा, तीन फोर्स लगेगा, एक F1 और यहां पर एक, इन तीनों का रिजल्टेंट के कारण जो है यहां पर हमारा सर्कुलर मोशन होगा. द एनालिसिस विल रिमेन सेम फॉर द क्वार्टनरी स्टार सिस्टम. आगे मैं कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकता हूं लेकिन जो फंडामेंटल अप्रोच मेथड रहेगा वो डेफिनेटली हमारा सेम रहने वाला है. ओके दोस्तों, तो अब हम लोगों का सर्कुलर ऑर्बिट की कहानी जो है वो हमारी खत्म होती है. अब हम लोग चालू करने वाले हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. लेट्स सी क्या होता है वो.